हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है एनटीए के द्वारा। एनटीए ने एक ऑफिशियली अपडेट दिया है। आप लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाओगे ना, ठीक है, NTA www.NTANEET.NIC.in, ठीक है, तो नीट के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट देख सकते हैं। न्यूज एंड इवेंट्स में पब्लिक नोटिस एनटीए ने रिलीज करा है 10 तारीख को, और उसमें ये कहा है कि काफी स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसमें कुछ चेंज यानी बदलाव आए हैं। ठीक है, तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज इसको पूरा समझ लो और एक बार चेक कर लेना। द एनटीए हियरबाय इन्फॉर्म्स दैट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द नीट यूजी 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 13 सितंबर फ्रॉम 2 PM टू 5 PM फॉर सम ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन चेंज्ड ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोविड-19 मेजर्स एज पर द डिटेल्स एनेक्स। कहने का मतलब ये है कि काफी स्टूडेंट के जो 13 तारीख को नीट का एग्जामिनेशन है उसके 2 से 5 बजे के बीच में काफी स्टूडेंट्स के जो क्या कहते हैं सेंटर है वो चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, देर इज नो चेंज इन द सेंटर सिटी, शहर जो शहर में है वही रहेगा, बट हो सकता है कि आपको जो पहले सेंटर दिया हो वो ना दिया हो, दूसरा सेंटर दे दिया हो। ठीक है, ओनली सेंटर हैव बीन चेंज, यानी शहर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर चेंज हुआ है। द कंसर्न कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एनटीए थ्रू द SMS एंड ईमेल। आपको SMS या ईमेल पहुंच गई होगी, बट काफी स्टूडेंट ने चेक नहीं करी है, तो मेरा फर्ज है बताने का, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। They are also being informed telephonically. Such candidates are advised to download their latest admit card available on the NEET website and report as per the details given to the latest admit card at the new examination center. ठीक है, मतलब कि भाई सभी लोग देखो, तुम्हारे पास कॉल आई हो या ना आई हो, एक बार तब भी तुम लोग क्या करना है, NEET की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, लॉग इन करो और चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि आपका सेंटर वही है ना। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अगर चेंज हुआ है तो वो फ्रेश एडमिट कार्ड निकालो और जो सेंटर दे रखा है वहां पे तुम लोगों ने पहुंच जाना है। ठीक है, ओके, तो बस सीधी सी ये सिंपल सा एक तुम लोगों को बता दूं और काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सब लोग देख लेना। ओके, आप लोग एक बार अच्छे से ये कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आज आप लोगों की 11 तारीख हो गई है, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया सॉरी पेपर को, तो आप अच्छे से पढ़ो और ये चीज चेक कर लेना, कहीं पर चल रहा है दूसरे सेंटर में पहुंच गया और फिर दिक्कत दे रही है, इसलिए मैंने तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है इसके बारे में। ओके, तो आप लोग प्लीज अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, एक बार फ्रेश एडमिट कार्ड सभी लोग देख लीजिए, अगर कोई चेंज है तो उसको डाउनलोड कीजिए और वही लेके जाना और उसी सेंटर पे आप लोग चले जाना। और हाँ, पेपर देने के बाद देखो आप लोग क्या करिए, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस अब टेंशन लेने का काम नहीं है, आप रिलैक्स कीजिए, कल ज्यादा मत पढ़ना, कल रिलैक्स करना ताकि परसों अपने आप को अच्छे से जाके पेपर दे सको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट का जैसी एग्जामिनेशन होगा उसके बाद बहुत सारी वीडियो, ठीक है, चाहे आप ड्रॉप करने वाले हैं, चाहे आप अदर मेडिकल फील्ड में काउंसलिंग चाहते हैं, तो वो भी मैं करूंगा आप लोगों के लिए, और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को ला रहा हूं, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों की हेल्प रहेगी आगे, काउंसलिंग से लेके कॉलेज तक और ड्रॉप से लेके नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन तक, और कोई और फील्ड मेडिकल फील्ड से आप स्विच करना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल्स A to Z मैं अपने चैनल पर लाऊंगा, और आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में पिछली जितने भी 1 साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, सारी की सारी हाई रेटेड वीडियो है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बहुत ही एनालिटिकल डाटा तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूं, और मैं बहुत सारी एप्लीकेशन पे एज अ मेडिकल करियर काउंसलर भी काम कर चुका हूं, तो ये सब एक्सपीरियंस तुम लोगों के लिए काफी काम आने वाला है। तो एग्जामिनेशन जैसे ही ओवर होगा आप लोगों के लिए A to Z जितनी भी डिटेल्स चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल काउंसलिंग, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप अविरल ब्लॉग्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 5,000 स्टूडेंट वहां पे जुड़े हुए, आप भी ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हो वहां भी कुछ अपडेट देता रहता हूं, तो @13 ओके। चलिए, फिर कोई और अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट।